हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो ये क्वेश्चन मैंने लिया है गेट 2019 में आया है, एम्पलीफायर यूजिंग मॉस्फेट। यहाँ चार मॉस्फेट यूज हुए हैं, एक 3P MOS और एक N MOS, और इसका गेन पूछा गया। और इस क्वेश्चन को मैंने रेटिंग दिया है 5 स्टार। मतलब ये एग्जाम में आई थिंक 2-3-4 लोग जो 1.5-2 लाख इसी में अपेयर हुए होंगे, इसी का है, इसी ब्रांच में पूछा गया क्वेश्चन था, है ना। ठीक है, तो 2-4-5 लोग 10 लोग शायद सॉल्व कर पाए होंगे, है ना। बहुत ही मतलब एग्जाम के प्रेशर में सॉल्व करना और टफ होगा, और बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका बहुत डिटेल में डिस्कशन हम करने वाले हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन केवल सॉल्व करना इज आवर प्रायोरिटी, है ना। इस क्वेश्चन में कैसे कैसे वो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, इंफॉर्मेशन को कैसे कैसे आप यूज कर सकते हो, ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया, एंड आप उठा के देख लेना जो भी बुक्स या जो भी अवेलेबल हैं, इससे प्रॉपर सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये गारंटी है ना। क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन है, सबने अपने हिसाब से सॉल्व किया होगा नो डाउट, लेकिन इतना प्रॉपर इतना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, है ना, ये गारंटी है। क्योंकि मैंने देखे और लोगों ने क्या सॉल्व किया, कैसे कर दिया, है ना। तो लॉजिकली सारी चीजें होनी चाहिए ताकि आप इस तरह का कोई और क्वेश्चन आए तो आप सोच पाओ, आपकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए। तो चीजें कैसे हो रही हैं वो समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ताकि इस तरह के टफ क्वेश्चन आए तो आपकी थिंकिंग इतनी ब्रॉड हो कि वो आप चीजों को सोच पाओ कि कैसे क्या करना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और धीरे धीरे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इन द सर्किट शोन थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस ऑफ द PMOS मॉड ऑफ VTP दिया है। PMOS नॉर्मली एनहांसमेंट टाइप का हम जब यूज करते हैं तो उसका जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है आपको पता है निगेटिव होता है, और आपका NMOS जो एनहांसमेंट टाइप होता है उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज पॉजिटिव होता है। तो मॉड ऑफ VTP कर दिया, VTP निगेटिव होगा लेकिन मॉड ऑफ VTP पॉजिटिव होगा। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ द PMOS, जितने ये बबल साइन बता रहा है कि ये PMOS है ना, ये पी बबल साइन बना के हम PMOS को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, या तो करंट की डायरेक्शन प्रेजेंट करके हम दिखाते हैं कि NMOS है कि PMOS, है ना, और या तो हम बबल लगा के, जहां बबल नहीं वो NMOS है, जहां बबल है वो PMOS है, ये आपको नोटेशन पता होगा ना। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ द PMOS मॉड ऑफ VTP एंड NMOS VTN आर बोथ इक्वल टू 1 वोल्ट। मतलब PMOS का एक तरह से थ्रेशोल्ड वोल्टेज -1 वोल्ट है और NMOS का जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है 1 वोल्ट, इसीलिए मॉड ऑफ VTP भी 1 वोल्ट आ गया। इतनी बात क्लियर, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूं VTN इज इक्वल टू मॉड ऑफ VTP इज इक्वल टू 1 वोल्ट, है ना। इसका यूज देखेंगे अभी। ऑल ट्रांजिस्टर हैव द सेम आउटपुट रेजिस्टेंस। तो ये जो आउटपुट रेजिस्टेंस RDS दिया है, जो ड्रेन और सोर्स के बीच में आता है AC मॉडल में, उसकी वैल्यू सारे ट्रांजिस्टर्स के लिए सेम है, चाहे वो PMOS है चाहे वो NMOS है, सबके लिए वो सेम है। आप पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, है ना, मैं सीधे सॉल्यूशन पे डिस्कशन कर रहा हूं, है ना। तो RDS इज इक्वल टू 6 MΩ, है ना। सारे आपका जब आइडियल मॉस्फेट लेते हैं, आइडियल अगर कहते हैं, तो जो आउटपुट रेजिस्टेंस ड्रेन और सोर्स के बीच में आता है एक AC इक्विवेलेंट मॉडल में, उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, वो ओपन सर्किट की तरह दिखाते हैं, लेकिन यहां पे उन्होंने दे दिया है इट इज ऑल्सो ए वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस 6 MΩ, है ना। बहुत हाई इसकी वैल्यू होती है आउटपुट रेजिस्टेंस की, जो ड्रेन और सोर्स के बीच में कनेक्ट होता है, कहां पे, AC मॉडल में। तो एक AC मॉडल का पैरामीटर आपको मिल गया क्या, 6 MΩ, है ना। सारी चीजें फाइंड आउट करेंगे। द आउटपुट पैरामीटर्स आर गिवन बिलो, द अदर पैरामीटर्स आर गिवन बिलो, है ना। अब देखो NMOS ये वाला है, उसका क्या क्या गिवन है, μnCox and W/L। हमें किसकी जरूरत पड़ती है बताओ, बार बार एक कैपिटल KN हम यूज करते हैं, जिसकी हमें बार बार जरूरत पड़ती है करंट इक्वेशंस और इन सब में, वो होता क्या है बताओ ध्यान से, μnCox W/2L होता है। उसकी वैल्यू देखो यहां निकाल लेते हैं क्या होगा, 60 × 5/2, है ना, μnCox × W/L 60 × 5/2 कितना आ गया, 150 μA/V². इसकी यूनिट μA/V² है, ये तो यूनिटलेस है, तो ओवरऑल इसकी यूनिट क्या होगी, μnCox की जो यूनिट होगी वही μnCox × W/L की होगी, एंड डिवाइडेड बाई 2, 150 μA/V². KP की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो PMOS 30 × 10/2, ये आएगा μpCox W/2L,
यहां W by L कौन सा हम यूज कर रहे हैं, फॉर एन मास वाले के केस में, एंड फॉर P मास के लिए W by L क्या यूज करेंगे, 10। तो 30 × 10 = 300 डिवाइडेड बाई 2, ये भी सेम आया 150 माइक्रो एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर। और अगर इसे मैं मिली एम्पियर में बदलूं, क्योंकि मैं ज्यादातर करंट किस में लेता हूं, मिली एम्पियर में, तो ये आ जाएगा 0.15 मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर, एंड दिस विल आल्सो कम आउट टू बी पर वोल्ट स्क्वायर। माइक्रो एम्पियर को मिली एम्पियर में बदलोगे, 10^-3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 150 × 10^-3 0.15। तो यहां से हम देख रहे हैं KN इज सेम एज KP, सबसे पहली बार है ना, KN इज सेम एज KP, इसका बहुत बड़ा रोल आगे होने वाला है ना। तो देखो दोनों की म्यू एन सी ऑक्स W बाई L की वैल्यूज तो अलग हैं, लेकिन जो प्रोसेस कंडक्शन पैरामीटर होता है ऑफ द पी मॉस एंड एन मॉस, बोथ फॉर बोथ इट इज सेम है ना। इनकी डायमेंशन डिफरेंट है, इनके W बाई L रेशियो दोनों के डिफरेंट है ना, और एस्पेक्ट रेशियो दोनों के डिफरेंट है, म्यू एन सी ऑक्स एंड म्यू पी सी ऑक्स की वैल्यू डिफरेंट है, बट द प्रोसेस कंडक्शन पैरामीटर फॉर बोथ द PMOS and NMOS is same, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल होने वाला आगे, है ना, अभी देखेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो हमें हम एसी मॉडल ड्रॉ करेंगे इस पूरे सर्किट का। देखो यहां पे एक डीसी वोल्टेज दिया है, इस डीसी वोल्टेज का काम है क्या, अभी समझ में आपको आएगा। देखो जो NMOS है वहां पे डीसी वोल्टेज इन्होंने नहीं दिया है ना, यहां भी डीसी वोल्टेज लगा होगा, तभी तो यहां पे कुछ करंट फ्लो हो रही होगी, तभी तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा। उन्होंने केवल एसी वोल्टेज वी इन दे दिया है, डीसी वोल्टेज को शो नहीं किया है ना, क्योंकि उस डीसी वोल्टेज की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डीसी करंट, है ना, इसीलिए उन्होंने उसे छुपा दिया, ताकि आप दिमाग लगा के डीसी करंट फाइंड आउट करो बिना यहां डीसी वोल्टेज गिवन, है ना, उन्होंने यही दिमाग लगाया, ठीक है। तो यहां पे केवल एसी वोल्टेज शो हुआ है, इसका यह मतलब नहीं कि डीसी वोल्टेज यहां लगा ही नहीं होगा, यहां डीसी वोल्टेज लगा के इसको ऑन किया गया होगा, ऑब्वियस सी बात है ये ऑन कंडीशन में होगा, वीजीएस इसका ग्रेटर देन वीटीएन होगा तभी ये ऑन होगा और तभी इससे करंट फ्लो होगी, वो सारी चीजें की गई होंगी। लेकिन जो ये क्वेश्चन दिया इसमें उन्होंने वो डीसी वोल्टेज शो नहीं किया, केवल एसी वाला वोल्टेज शो किया है, कि इस पर्टिकुलर एसी अप्लाइड वोल्टेज के करेस्पॉन्डिंग जो एसी आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है उसका मुझे गेन बता दो, वी आउट अपॉन वी इन बता दो, है ना। तो कई बार ये डायरेक्टली एसी इक्विवेलेंट सर्किट कुछ बीजेटीज का या ट्रांजिस्टर्स का दे देते हैं ना, और जहां डीसी वोल्टेज की जरूरत है कैलकुलेट करने के लिए वहां डीसी वोल्टेजेस प्रेजेंट होंगे, है ना। जब एसी मॉडल इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का ड्रॉ करेंगे तो सारे डीसी वोल्टेजेस को रिप्लेस कर देंगे उनके किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना, केवल बच जाएंगे एसी सोर्स। तो इस वाले सर्किट में उन्होंने क्या दिया है, डीसी सोर्स यहां दिया है, इसका एक पर्पज है। यहां पे तो केवल एसी सोर्स दिया, यहां डीसी सोर्स नहीं दिया उन्होंने, इसका तो एसी इक्विवेलेंट मॉडल ही ड्रॉ कर दिया, केवल एसी सोर्स से दिखाया, डीसी को हटा दिया, लेकिन यहां पे डीसी वोल्टेज दिया है, इसका पर्पज है। क्या पर्पज है आप समझते हैं, है ना, आपने बीजेटीज के भी इसके पहले क्वेश्चन किए, उसमें बीजेटीज में भी क्या होता है, कई बार वो केवल एसी सोर्सेज को दिखाते हैं, डीसी को हटा देते हैं और सीधे जो पैरामीटर्स की वैल्यू इनडायरेक्टली दे देते हैं एसी मॉडल के, और आपको उसका एसी इक्विवेलेंट मॉडल ड्रॉ करना होता है और उसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना। तो अब देखो यहां एक डीसी वोल्टेज देने का पर्पज क्या है, ये भी समझते हैं ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ना। अब देखो इसका पर्पज क्या है, अब अगर मैं पूरे सर्किट का मुझे भी गेन निकालना वी आउट अपॉन वी, तो ये जो पूरी सर्किट है मॉस्फेट की गिवन है, चार मॉस्फेट गिवन है, इसका मैं इक्विवेलेंट एसी मॉडल ड्रॉ करूंगा, है ना, इक्विवेलेंट एसी मॉडल ड्रॉ करूंगा, और जो मुझे एन मॉस या पी मॉस का इक्विवेलेंट नेटवर्क मॉडल पता है, एसी इक्विवेलेंट नेटवर्क मॉडल पता है ना आपको, हम किसी भी मॉस्फेट का इक्विवेलेंट एसी मॉडल हम ड्रॉ करना जानते हैं ना, उसमें एक करंट सोर्स आता है ड्रेन और सोर्स के बीच में, एक आउटपुट रेजिस्टेंस आता है ड्रेन और सोर्स के बीच में, है ना, गेट और सोर्स के बीच में वोल्टेज होता है, लेकिन गेट और सोर्स के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, वो ओपन सर्किट होता है। तो हम हर मॉस्फेट का एक इक्विवेलेंट एसी मॉडल ड्रॉ करना जानते हैं, तो अगर मुझे एसी गेन निकालना है तो ये पूरे सर्किट का मैं एसी इक्विवेलेंट मॉडल ड्रॉ करूंगा, है ना, और फिर उस सर्किट से मैं निकालूंगा वी आउट अपॉन वी। लेकिन एसी इक्विवेलेंट मॉडल ड्रॉ करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ती है, एसी पैरामीटर्स की, और एसी पैरामीटर्स डिपेंड किस पे करते हैं, एसी मॉडल के जो पैरामीटर्स हैं दे डिपेंड्स ऑन द डीसी करंट, और यहां पे कहीं डीसी करंट दिया है भाई साहब, नहीं। अब एसी मॉडल का एक पैरामीटर तो आपको पता है आरडीएस इज गिवेन, बट द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ एसी मॉडल इज दैट इज ट्रांसकंडक्टेंस जीएम इज नॉट गिवन एनीवेयर, एंड दैट जीएम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डीसी करंट। वो किससे कैलकुलेट होता है, डीसी एनालिसिस से, जो डीसी करंट आती है उस करंट की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं
एसी पैरामीटर, एसी मॉडल का पैरामीटर जीएम है ना, तो जीएम हमें पता करना पड़ेगा। जब जीएम और आरडीएस दो पैरामीटर जरूरत पड़ती है एसी इक्विवेलेंट मॉडल ड्रॉ करने के लिए, तो जब वो जीएम पता चल जाएगा तो इक्विवेलेंट मॉडल ड्रॉ करेंगे और वहां से निकालेंगे वी आउट अपॉन वी इन, और उसमें आपने देखा होगा मॉस्फेट के क्वेश्चन में जो गेन आता है वो जीएम के फॉर्म में आता है, जीएम इंटू आरडी के फॉर्म में, है ना। इस तरह से आता था ना माइनस जीएम इंटू आरडी, आपने पहले भी क्वेश्चन बहुत सारे किए होंगे इस पे, तो माइनस जीएम इंटू आरडी के फॉर्म का आता। तो जीएम का कैलकुलेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी जीएम के कैलकुलेशन के लिए ये वीडीडी गिवन है, क्योंकि इस वीडीडी की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे डीसी करंट, और वंस विल गेट द डीसी करंट बाय यूजिंग द फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ट्रांसकंडक्टेंस जीएम, क्योंकि जो ट्रांसकंडक्टेंस जीएम है आपको पता है वो कितना होता है, टू अंडर रूट के एन इंटू आईडीएस फॉर एनमॉस, एनमॉस के लिए है ना, और यही अगर मैं जी एम एन कहूं और जी एम पी ए की अगर बात करूं तो ये होता है टू अंडर रूट के पी इंटू आई डी एस, है ना, जहां पे आई डी एस क्या है, सैचुरेशन करंट है जो पी मास से फ्लो हो रही है, दोनों को लिख रहे हैं, इसको एन लिख लो एन के थ्रू और ये पी मास के थ्रू आई डी एस पी, है ना, तो ये सैचुरेशन करंट है थ्रू पी मास, ये सैचुरेशन करंट है थ्रू एन मास, ये पी मास के लिए हो गया। तो अगर मुझे जीएम पता करना है, क्योंकि यहां पे पी मास और एन मास लगे हैं, तो सबके मुझे ट्रांसकंडक्टेंस जीएम पता होना चाहिए, तभी सबका इक्विवेलेंट एसी मॉडल मैं ड्रॉ करूंगा, फिर उस एसी इक्विवेलेंट मॉडल से जब सबका ड्रॉ कर लूंगा सबको मिक्स करके वी आउट अपॉन वी इन निकालूंगा। तो आरडीएस तो सारे MOSFETs का मुझे पता है, एसी पैरामीटर आरडीएस, बट एसी पैरामीटर जीएम की वैल्यू मुझे नहीं पता है किसी भी पीमॉस की, और वो किस पे डिपेंड करता है, केएन या केपी पे, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दोनों के लिए सेम है केएन केपी, चाहे पीमॉस लो चाहे। अब अगर मुझे करंट आईडीएसएन या आईडीएसपी पता चल जाए किसी पर्टिकुलर मास से, तो उस MOSFET का मैं ट्रांसकंडक्टेंस जीएम निकाल लूंगा और उसके एसी इक्विवेलेंट मॉडल में उसको मैं यूज कर पाऊंगा। समझ में आई बात, ठीक है। अब निकालते हैं ये क्वेश्चन अपने आप में, जो डीसी एनालिसिस है यही एक क्वेश्चन हो जाता, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अब अगर ध्यान से देखो, मैंने आपको यहां पर एक चीज और, जो करंट मिरर सर्किट्स होती हैं उसका थोड़ा सा यहां पे इन्होंने यूज किया है, काइंड ऑफ करंट मिरर सर्किट का इन्होंने यहां यूज किया है, इसीलिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो गया, एकदम आराम से समझेंगे, डिटेल में समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब डीसी एनालिसिस से मैं कहीं करंट निकालता हूं, अब ध्यान से देखो, इन दोनों को ध्यान से देखो, इन जनरल आपको मैंने एक चीज और बताई थी, सैचुरेशन रीजन में हम MOSFETs को यूज करते हैं एज एन एम्पलीफायर, है ना, लीनियर रीजन में बीजेटी को यूज करते हैं एज एन एम्पलीफायर, बट MOSFETs आर यूज इन सैचुरेशन रीजन फॉर यूजिंग इट एज एन एम्पलीफायर, ठीक है ना, तो ये बात क्लियर है। अब ध्यान से देखो, मतलब हमें कुछ गिवन हो ना गिवन हो, हम मान सकते हैं कि ये सारे सैचुरेशन में है, क्योंकि देखो यहां पर डीसी वोल्टेज क्या है, गिवन नहीं है, है ना, इस मास का, लेकिन इतना डीसी वोल्टेज लगाया होगा कि इस ट्रांजिस्टर को MOSFET को सैचुरेशन में हमने रखा होगा, क्योंकि सैचुरेशन में ही ये एम्पलीफायर की तरह काम करता है। लेकिन अब ध्यान से देखो, मुझे डीसी करंट पता करनी है, इस मॉस से कितनी है, इस मॉस से कितनी है, इस मॉस से, तभी जाके मैं इनके ट्रांसकंडक्टेंस पैरामीटर जीएम की वैल्यू निकाल पाऊंगा। अब एक ध्यान से सुनो, यहां से जो करंट आएगी, मान लेते हैं आईडी, है ना, आईडी वही सेम यहां से भी आएगी, है कि नहीं, यहां से जो करंट आई, यहां गेट से तो करंट कोई पास होती नहीं ना, गेट से हर जगह करंट जीरो होती है, जीरो, है ना, गेट के थ्रू करंट तो आएगी नहीं, यहां से जीरो, तो यहां भी जीरो ही होगी, है ना, तो यहां गेट टर्मिनल के थ्रू कोई करंट फ्लो ही नहीं हो सकती है ना, गेट टर्मिनल के थ्रू, तो जो यहां से आई वही करंट यहां आएगी, है ना, हमेशा ड्रेन और सोर्स के बीच में करंट फ्लो होती है MOSFET में, गेट टर्मिनल के थ्रू नहीं, तो जो ऊपर से आई इसके वही यहां पे फ्लो हो गई, क्योंकि यहां के गेट से नहीं फ्लो होगी, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई, इसको मैं मिटा देता हूं, इतना आपको पता होगा बेसिक, ठीक है ना, गेट टर्मिनल से कोई करंट फ्लो नहीं होती। अब देखो ये जो कनेक्शन बना रखा है, एक बात और, पी मॉस में कौन हायर पोटेंशियल पे होता है, सोर्स, ड्रेन होता है लोअर पोटेंशियल पे, तो अब अगर देखो इस पी मॉस को ध्यान से देखो, इस पी मॉस का सोर्स यहां पे है, गेट तो गेट है और ड्रेन यहां पे है, इस पी मॉस का भी देखो ड्रेन ग्राउंड पे है लोएस्ट पोटेंशियल पे, सोर्स यहां पे है और गेट यहां पे है, ठीक है ना, तो इस पी मॉस का सोर्स यहां, ड्रेन यहां, गेट यहां, इस पी मॉस का ड्रेन यहां, गेट यहां, सोर्स यहां, ठीक है ना, सोर्स हमेशा हायर पोटेंशियल पे होता है इन केस ऑफ पी मॉस, एंड इन केस ऑफ एन मॉस ड्रेन इज एट हायर पोटेंशियल, है ना। अब देखो ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, अब आगे की बात करते हैं, ध्यान से अगर देखो इन दोनों पी मॉस को देखो, अभी हम इन दोनों को देखते हैं फिर देखो रिलेशन निकालेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से, इस पी मॉस के ड्रेन और गेट आपस में कनेक्टेड है,
इस पीमास के भी ड्रेन और गेट आपस में कनेक्टेड है ना। ये इसका सोर्स था, ड्रेन और गेट आपस में कनेक्टेड। ये इस पीमास का ये सोर्स था, ड्रेन और गेट आपस में कनेक्टेड। और मैंने बताया था अगर कोई एन मास, इनहेंसमेंट टाइप एन मास, जिसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज पॉजिटिव होता है, उसके ड्रेन और गेट को अगर आपस में कनेक्ट कर दिए तो वो ऑन होकर सैचुरेशन रीजन में ही जाएगा, गारंटीड है, चेक करने की जरूरत नहीं। इसी तरह से पी मास, एक इनहेंसमेंट टाइप पी मास, जिसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज निगेटिव होता है, वो उसके अगर ड्रेन और गेट को भी आपस में कनेक्ट कर दोगे तो वो हमेशा ऑन होके बाय डिफॉल्ट कहां जाएगा, सैचुरेशन में जाएगा। मतलब ये दोनों के दोनों जो पी मॉसेस हैं ये कहां पे हैं, सैचुरेशन रीजन में हैं, पहली चीज है ना, क्योंकि दोनों के ड्रेन और गेट आपस में कनेक्टेड हैं। ये ड्रेन और गेट कनेक्ट करने से ये कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर देंगे, वीएसजी शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू वीएसजी माइनस मॉड ऑफ वीटीपी, है ना। ये रिलेशन ये हमेशा सेटिस्फाई कर देंगे अगर ड्रेन और गेट आपस में कनेक्टेड है ना। ड्रेन और गेट आपस में कनेक्टेड मतलब ड्रेन और गेट का पोटेंशियल सेम, तो VSD विल बी सेम एज VSG। इसको इस तरफ लाओगे तो ये जीरो हो जाएगा, एंड जीरो विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ VTP, मॉड ऑफ VTP की वैल्यू 1, तो जीरो विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन माइनस 1। ये रिलेशन ट्रू हो गया। और अगर कोई ट्रांजिस्टर ये रिलेशन पी मास सेटिस्फाई कर रहा है, VSD शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू VSG माइनस मॉड ऑफ VTP, ये रिलेशन कब सेटिस्फाई करता है, PMOS जब वो सैचुरेशन में होता है। अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है मतलब PMOS किस में है, सैचुरेशन में। तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया है बहुत अच्छे से जब DC एनालिसिस करवाई है कि NMOS का ड्रेन और गेट आपस में कनेक्ट हो जाए और अगर उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज पॉजिटिव है तो गारंटीड है वो सैचुरेशन में जाएगा ऑन होके। इसी तरह से PMOS जिसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज निगेटिव होता है, अगर उसके ड्रेन और गेट को आपस में कनेक्ट कर दिए तो ऑन होके बाई डिफॉल्ट सैचुरेशन में जाएगा। तो ये दोनों किस में है, सैचुरेशन में, पहली चीज, ठीक है ना। अब एक चीज और ध्यान से देखो, और दोनों की करंट आपस में इक्वल है कि नहीं, क्योंकि यहां से जो करंट आएगी वही यहां फ्लो होगी। मतलब इस ट्रांजिस्टर T1 का जो है, इसको मान लेते हैं T1, इसको मान लेते हैं, एक मिनट, इसको मानते हैं T1, इसको मानते हैं T2, इसको मानते हैं T3, इसको T4, तो थोड़ा आसानी हो गया ना। तो जो T3 और T4 के करंट है इक्वल होंगे और दोनों सैचुरेशन में होंगे, है ना। दोनों सैचुरेशन में है और दोनों की करंट क्या है, सेम, क्योंकि ऊपर से जो करंट आएगी सीरीज में करंट सेम होती है, इससे जो करंट फ्लो हो रही है वही ऊपर से जो करंट आ रही है वही तो यहां फ्लो हो सकती है। गेट से तो करंट आएगी नहीं, जो यहां से करंट आई वही यहां फ्लो हो गई। मतलब दोनों की, दोनों सैचुरेशन में और दोनों की सैचुरेशन करंट आपस में क्या है, इक्वल है भाई साहब, है ना। ये सीरीज कनेक्शन बता रहा है क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है। ये ऑन होकर सैचुरेशन में, यहां से कुछ करंट फ्लो हो रही होगी, सोर्स से ड्रेन की तरफ करंट फ्लो होती है हमेशा पी मॉस में, और एन मॉस में ड्रेन से सोर्स की तरफ, है ना। और यहां से जो करंट फ्लो हो रही होगी, और ये सीरीज कनेक्शन, अगर यहां से कुछ करंट आई वही यहां फ्लो होगी। तो ये बता रहा है कि इन दोनों की सैचुरेशन करंट आपस में इक्वल है, और सैचुरेशन करंट में क्या कर रहा हूं, क्योंकि दोनों सैचुरेशन रीजन में है, पहली चीज। ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। अब अगला, हमेशा ये छोटी छोटे पॉइंट्स हैं। अब अगला ध्यान से देखो, मैंने कहा एम्पलीफायर की तरह यूज कर रहे हो तो पी मॉस और एन मॉस इन जनरल किस में होंगे, सैचुरेशन में। अगली चीज ध्यान से देखो, अब मैं अगर इनकी, इसकी करंट या इसकी करंट पता कर लूं तो इनके ट्रांसकंडक्टेंस GM मैं पता कर लूंगा। अब अगली चीज बहुत ट्रिकी, देखो क्या ध्यान से देखो, इन दोनों को देखो, यहां से जो करंट आएगी मैं मान लेता हूं ID1, दैट विल बी इक्वल टू ID1, क्योंकि जो करंट यहां से आएगी वही सीरीज में यहां फ्लो होगी। तो जो करंट T2 से फ्लो होगी वही T1 से फ्लो होगी, क्योंकि गेट से तो कोई करंट आएगी नहीं, यहां से करंट जीरो आई, यहां से आई करंट ID1, तो यही जीरो प्लस ID1 यहां फ्लो हो गई। तो इस ट्रांजिस्टर के थ्रू भी, जो ड्रेन से सोर्स की तरफ, ये इस ट्रांजिस्टर T1 जो एन मास है उसका ड्रेन है, ये सोर्स है, क्योंकि ट्रांजिस्टर एन मास में क्या होता है, ड्रेन इज एट हायर पोटेंशियल, सोर्स इज एट लोअर। और जबकि इस ट्रांजिस्टर का T2 जो पी मास है उसका ये सोर्स है, उसका ये क्या है, ड्रेन है, ये ध्यान रखना। तो सोर्स से ड्रेन की तरफ करंट फ्लो हुई पी मास में, वही करंट एन मास के ड्रेन टू सोर्स से फ्लो हुई, दोनों की करंट सेम होगी, सिंपल सी बात। अब देखो एक रिलेशन निकालते हैं, है ना, हम ID3, ID4, ID1, इसको मान लेते हैं ID1, ये ID2। तो अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं ID3 इज इक्वल टू ID4, और हम लिख सकते हैं ID1 इज इक्वल टू ID2, ये तो हम लिख सकते हैं सीरीज कनेक्शन की वजह से। अब देखो ध्यान से, कितना ट्रिकी, कितना अच्छा क्वेश्चन। अब इन दोनों ट्रांजिस्टर को हम देखते हैं T2 एंड T3 को, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। T2 एंड T3 को बेटा ध्यान से देखो क्या है, अब एक चीज ध्यान से देखना, T2 और T3 और बाय डिफॉल्ट देखो ये दोनों तो दिख गए सैचुरेशन में, इन दोनों को भी हम क्या मान सकते हैं, सैचुरेशन में ही होंगे, क्योंकि देखो DC वोल्टेजेस बहुत सारी जगह गिवन नहीं है, क्योंकि कुछ जगह उन्होंने AC इक्विवेलेंट ड्रॉ कर दिया है ना। तो बाय डिफॉल्ट
एन मॉस या पी मॉस जब एम्पलीफायर की तरह यूज हो रहे हो इन जनरल, वो किस रीजन में होते हैं? सैचुरेशन में। तो ये भी सैचुरेशन में होगा, ये भी सैचुरेशन में होगा फॉर श्योर, है ना। अब देखो ये दोनों अगर सैचुरेशन में है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज दोनों के इक्वल है, करंट क्या होती है पी मॉस से बताओ, जो सैचुरेशन करंट जिसको आईडीएस कहते हैं, आईडीएस नोटेशन है ना, ये करंट सोर्स से ड्रेन की तरफ फ्लो हो रही है ना। तो जो करंट होती है सैचुरेशन करंट किसी पी मॉस से, वो होती है किसके बराबर, वीएसजी माइनस मॉड ऑफ वीटीपी, मॉड ऑफ वीटीपी है ना, का होल स्क्वायर। यही तो सैचुरेशन करंट होती है किसी पी मॉस से, केपी प्रोसेस कंडक्शन वीएसजी माइनस। अब देखो इन दोनों ट्रांजिस्टर्स को देखो ध्यान से, दोनों ट्रांजिस्टर के थ्रेशोल्ड वोल्टेज सेम है, मतलब वीटीपी दोनों के सेम है, क्योंकि सारे पीमॉस के थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस क्या हैं, उनका मॉड की वैल्यू 1 है। केपी भी सारे सेम ही है, सारे पीमॉस के केपी सेम है, सारे पीमॉस के केपी की वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है, सारे पीमॉस के केपी की वैल्यू सेम है, तो केपी भी सेम हो गया। अब इन दोनों को देखो, टी टू और टी थ्री को ध्यान से देखना, इनका वीएस सेम पोटेंशियल पे है और इनका गेट भी सेम पोटेंशियल पे, क्योंकि गेट इनके कनेक्टेड हैं। अगर ध्यान से देखो, G2 और G3 सेम पोटेंशियल पे हैं क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट से कनेक्टेड हैं। दोनों के VS2 एंड VS3 सेम पोटेंशियल पे हैं क्योंकि दोनों VDD से कनेक्टेड हैं। इसका सोर्स और इसका सोर्स सेम पोटेंशियल पे, इन T2 T3 के गेट भी सेम पोटेंशियल पे, तो दोनों T2 और T3 के VS और VG पोटेंशियल्स क्या हैं, सेम। तो दोनों के VSG क्या होंगे, सेम होंगे कि नहीं होंगे, ध्यान से बताओ। इन दोनों ट्रांजिस्टर को देखो, इनके सोर्स का, सोर्स टर्मिनल का पोटेंशियल सेम है, इनके गेट टर्मिनल का पोटेंशियल सेम है, और यानी कि अगर सोर्स और गेट दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं दोनों ट्रांजिस्टर के, तो जो VSG आएगा VS माइनस VG से, वो भी VSG दोनों के लिए क्या होगा, सेम। तो T2 और T3 का VSG पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि VS दोनों का सेम है और VG भी दोनों का सेम है, तो VS माइनस VG दोनों के लिए VSG क्या होगा, सेम होगा। मतलब दोनों T2 और T3 का KP भी सेम है, VSG भी सेम आ गया, और VTP तो सेम था ही। मतलब क्या हुआ, हम लिख सकते हैं ID3 is equal to ID2 लिख सकते हैं, और इसका मतलब क्या हुआ, ID4 is equal to ID1, क्योंकि ID2 is equal to ID1 था, ठीक है ना। तो ये लॉजिकली क्या आ गया, ID3, ID2, ID4, ID1 आर सेम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये सेम थे, ये सेम थे, और ये इनके कनेक्शन की वजह से T3 और T2 का करंट सेम हुआ, इस वजह से सारी करंट आपस में क्या हो गई, सेम, सब जगह सेम करंट फ्लो हो रही है। अब अगर ध्यान से देखो, KN और KP सारे ट्रांजिस्टर्स के सेम है, चाहे वो पी मॉस हो चाहे एन मॉस, और सबकी करंट्स भी सेम हो गई, IDSN, IDSP सबकी सेम हो गई, तो सबके GMs आपस में क्या हो गए, सेम। सबके ट्रांसकंडक्टेंस की वैल्यू GM सेम है, चाहे वो इस ट्रांजिस्टर की बात करूं, चाहे इस ट्रांजिस्टर की, चाहे इस ट्रांजिस्टर की, चाहे इस ट्रांजिस्टर की, सबकी क्या है, ट्रांसकंडक्टेंस जीएम की वैल्यू सेम है, सबके ट्रांसकंडक्टेंस की वैल्यू सेम है। इससे यहां से लॉजिक आ गया, ट्रांसकंडक्टेंस इज सेम फॉर ऑल द ट्रांजिस्टर्स, ट्रांसकंडक्टेंस इज सेम फॉर ऑल द ट्रांजिस्टर, फॉर ऑल द ट्रांजिस्टर्स, है ना। बहुत आराम से क्वेश्चन देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत, है ना। इतने कनेक्शन के बाद हमने ये लॉजिक निकाला कि ट्रांसकंडक्टेंस इज सेम फॉर ऑल द ट्रांजिस्टर। तो ये सब चीजें आप दिमाग में सोचने वाली चीजें, मैं तो आपको यहां बता रहा हूं, लेकिन आपको ये तुरंत सोच के दिखना चाहिए चीजें, है ना, लॉजिकली। अब देखो, मैं किसी तरह से कोई एक करंट आईडीएस निकाल लूं, तो केएन केपी पता ही है मुझे, तो मैं जीएम पता कर लूंगा, एक जीएम निकालूंगा, वही जीएम सबके लिए सेम है, क्योंकि बाकी सारे पैरामीटर सेम है ना। यहां से पता चले कोई एक करंट निकाल लूं, वही करंट हर जगह फ्लो हो रही है और सबके के एन के पी सेम है ना, उनके मैग्नीट्यूड्स आपस में सेम है, तो मैं जीएम की वैल्यू निकाल सकता हूं, सबके एक ही जीएम आएगा, ठीक है। अब देखो यहां से निकालना टफ है, क्यों, क्योंकि यहां देखो डीसी, यहां डीसी सोर्स हटा ही दिया है, इस वाले से निकालना टफ है, क्यों, क्योंकि यहां डीसी सोर्स तो हटा ही दिया, केवल एसी सोर्स दिया है, जिसके करेस्पॉन्डिंग, जिस एसी सोर्स के करेस्पॉन्डिंग आपको गेन निकालना है। तो देखो ये वाली सर्किट मेरे को, जहां पे एसी नहीं दिख रहा है, डीसी वोल्टेज दिख रहा है और कनेक्शंस दिख रहे हैं, यहां से मैं करंट निकाल सकता हूं, चाहे मैं आईडी थ्री निकाल लूं, चाहे मैं आईडी फोर निकाल लूं, वही करंट हर जगह है, उसके बाद मैं जीएम निकाल लूंगा। तो सबसे पहला ही यही एक क्वेश्चन हो जाता, जीएम निकालने की वैल्यू, है ना, यही अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो अब देखो निकालते हैं कैसे, अभी हमने कहा दोनों की
क्या है, दोनों के दोनों सैचुरेशन में और दोनों की करंट्स क्या है, सेम है, क्योंकि सीरीज में दोनों कनेक्टेड हैं। तो अब मैं लिखता हूं देखो कैसे, अब देखो ध्यान से, इसकी करंट क्या होगी, ID3 पहले लिखते हैं और ID3 और ID4 को इक्वल करते हैं, ठीक है। ID3 ये सैचुरेशन में है, तो सैचुरेशन में करंट कैसे लिखते हो, KP इनटू इसका VSG माइनस मॉड ऑफ VTP। VSG इसका क्या है बताओ, VS की वैल्यू 4 है इसके लिए, और ये है इसका गेट टर्मिनल, इसको मैं वोल्टेज मान लेता हूं VG। अगर ये VG है तो ये भी क्या हो गया, VG है ना। अब ध्यान से देखना, KP इनटू इसका VSG कितना हो गया, 4 VS और VG की वैल्यू, VG हमें पता नहीं है, हम देखते हैं अभी VG कितना आता है, तो 4 माइनस VG माइनस मॉड ऑफ VTP दैट इज 1 का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है ना, ID3 की वैल्यू है ना। अब ID4 यहीं से आएगा, आपको लगेगा ID3 तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, लेकिन ID3 और ID4 आपस में रिलेटेड हैं, उस रिलेशन से हमें करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अब ID4 लिखता हूं, ये क्या है, ये है ड्रेन टर्मिनल T4 का, ये है सोर्स टर्मिनल T4 का, और ये है गेट टर्मिनल, गेट और ड्रेन आपस में कनेक्टेड है ना, जो लोअर पोटेंशियल पे होता है PMOS में, वो ड्रेन होता है। अब इसका मैं लिखता हूं KP, तो इसका भी वही है सेम, इनटू VSG माइनस मॉड ऑफ VTP, मॉड ऑफ VTP तो इसका भी वर्णन, VSG लिखते हैं, इसका सोर्स कौन है, ये है जिसका वोल्टेज क्या है, VG के बराबर, इसके गेट वोल्टेज के बराबर, तो VG आ गया, ठीक है। और इसका गेट किस पोटेंशियल पे है, गेट इज कनेक्टेड टू दिस एंड दिस पोटेंशियल इज 0 है ना, ये क्या है, ये ड्रेन का पोटेंशियल 0 है और ड्रेन से ही कनेक्टेड क्या है गेट, तो गेट का पोटेंशियल 0 है किसके लिए, T4 के लिए, और सोर्स का पोटेंशियल किसके बराबर है, T4 के सोर्स का पोटेंशियल VG के बराबर है इसके गेट के पोटेंशियल, हाँ इसके गेट के पोटेंशियल के बराबर, ठीक है ना। T4 का जो सोर्स है ये है और उसका पोटेंशियल इसके गेट के पोटेंशियल के बराबर है ना सिंपली। और जो T4 का सोर्स है वो किससे कनेक्टेड है, T3 के ड्रेन से कनेक्टेड है, ये ध्यान रखना है ना। और इसके ड्रेन और गेट आपस में कनेक्टेड है, तो VG अगर यहां का पोटेंशियल, तो T3 के ड्रेन का पोटेंशियल VG हो गया, और T3 का जो ड्रेन है वही T4 का क्या है, सोर्स है, जिसका पोटेंशियल क्या हो गया, VG, और T4 के गेट का पोटेंशियल क्या है, 0, क्योंकि गेट और ड्रेन आपस में कनेक्टेड हैं, ड्रेन 0 पे तो गेट 0 पे, तो VSG कितना हो गया, इसका सोर्स का पोटेंशियल VG माइनस गेट का पोटेंशियल 0, तो VSG हो गया VG माइनस 0 माइनस मॉड ऑफ VTP की वैल्यू तो सेम है। अब देखो यहां से क्या होगा, ये दोनों इक्वेशन क्या बता रही है, देखो अगर इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा तो एक अननोन VG बचेगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी, और जैसे VG की वैल्यू आ जाएगी मैं करंट ID3 या ID4 फाइंड आउट कर लूंगा कि नहीं, तो यहीं से करंट आएगी बेटा। ये बहुत ही हिडन क्वेश्चन था, इसमें आधे लोग तो करंट ही ID3 ID4 नहीं निकाल पाएंगे, मैक्सिमम लोग मैं बता रहा हूं है ना। तो अब देखो इक्वेट कर दो, KP यहां से आया 3 माइनस VG का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू KP VG माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर, KP कैंसिल, अंडर रूट ले लें तो 3 माइनस VG इज इक्वल टू VG माइनस 1, और यहां प्लस माइनस नहीं आएगा, क्यों प्लस माइनस नहीं आएगा, क्योंकि जब करंट फ्लो हो रही है, जब भी करंट फ्लो हो रही है किससे, PMOS से या NMOS से, तो VSG माइनस VTP की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ये 3 माइनस VG क्या है, VSG माइनस VTP की वैल्यू है, VSG माइनस मॉड ऑफ VTP की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है फॉर करंट टू फ्लो फ्रॉम द PMOS है ना, जैसे VGS माइनस VTN की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए फॉर करंट टू फ्लो फ्रॉम द NMOS है ना। तो 3 माइनस VG एक पॉजिटिव नंबर है, VG माइनस 1 भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो अंडर रूल लेने के बाद यहां से पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव निकलेगा ना, यहां प्लस माइनस नहीं आएगा इस सोल्यूशन में, ध्यान रखना, क्योंकि VG माइनस 1 हमेशा पॉजिटिव है फॉर करंट टू फ्लो, VSG माइनस मॉड ऑफ VTP की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए फॉर करंट टू फ्लो फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन इन PMOS, एंड यहां भी ये पॉजिटिव है तो अंडर रूट से यही बाहर आएगा, अंडर रूट से यही है ना, ये प्लस माइनस मत कर देना कुछ लोग है ना, इसका एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, 3 माइनस VG पॉजिटिव है तो अंडर रूट दोनों तरफ लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू बाहर आएगी, गारंटीड है VG, क्योंकि तुम अगर कहते हो, देखो ध्यान से, अगर तुम कहते हो कि दिस इज प्लस माइनस, इसका क्या मतलब, कह रहे हो एक बार कि ये प्लस है VG माइनस 1, एक बार कह रहे हो कि क्या है VG माइनस 1 माइनस, मतलब माइनस ऑफ VG माइनस 1 जो कि पॉसिबल ही नहीं है, माइनस ऑफ VG माइनस 1 पॉसिबल ही नहीं है, VG माइनस 1 हमेशा क्या आएगा प्लस, ठीक है समझ में आ गई बात। तो ये डायरेक्टली इसको कई लोग
और इसको मैंने कई डीसी एनालिसिस में समझाया भी है, आपके डीसी एनालिसिस के क्वेश्चंस मेरे देखना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से यह समझाया है कि यहां प्लस माइनस की जगह केवल प्लस आएगा अंडर रूट लेने के बाद, है ना। स्क्वायर जैसे हम करते हैं सॉल्व ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन, लेकिन इस केस में यहां प्लस माइनस नहीं आएगा, केवल प्लस आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। और ये मैं बहुत सारी डीसी एनालिसिस में इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया हूं, क्योंकि ये भी अपने आप में प्लस है, ये भी अपने आप में प्लस है, तो अंडर रूट से वही प्लस वैल्यू बाहर आएगी, माइनस वाली नहीं, है ना, माइनस वाली नहीं। अंडर रूट लेने के बाद ये प्लस वाली वैल्यू ही आपको रखना है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, ठीक है, माइनस वाली वैल्यू यहां नहीं रखना है। अगर आपने माइनस ऑफ वीजी माइनस वन कर दिया तो वीजी माइनस वन तो प्लस है, माइनस साइन बाहर आएगा तो ये ओवरऑल निगेटिव आ गया, तो ये क्या बताएगा कि 3 माइनस वीजी निगेटिव है, जबकि 3 माइनस वीजी निगेटिव होना ही नहीं चाहिए, हुआ कि नहीं। अगर मैं यहां माइनस साइन ले लूं और वीजी माइनस वन मैं कह रहा हूं कि हमेशा पॉजिटिव होगा करंट फ्लो होने के लिए, तो माइनस साइन बाहर लग गया तो ये ओवरऑल माइनस ऑफ वीजी माइनस वन क्या एक निगेटिव वैल्यू आएगा, और यानी कि 3 माइनस वीजी एक निगेटिव वैल्यू के बराबर है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 3 माइनस वीजी शुड बी पॉजिटिव फॉर करंट टू फ्लो, है ना। तो ये प्लस साइन, यहां से देखो वीजी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 वीजी इज इक्वल टू 4, वीजी इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये वीजी का पोटेंशियल 2 वोल्ट है, ये निकाल ही नहीं पाएंगे आधा लोग, अगर पूछ दिया जाए आधा लोग का मैक्सिमम। और अगर ये आ गया तो मैं ID3 निकाल लेता हूं, ID3 इज इक्वल टू केपी की वैल्यू 0.15 मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर एंड 4 माइनस वीजी 2 माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ गया 0.15 मिली एम्पियर, क्योंकि ये मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर एंड वोल्ट स्क्वायर कैंसिल, मिली एम्पियर बच गया। मतलब क्या हो गया, ये मैं रब करने जा रहा हूं बेटा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और उस बेहतरीन क्वेश्चन का एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। अब मैं ये रब कर रहा हूं, आप नोट डाउन कर लिए होंगे, तो इस साइड से निकला करंट इक्वेट, जब भी सीरीज में दो मास कनेक्टेड हो दोनों की करंट इक्वेट कर दिया करो, वहां से कोई ना कोई रिलेशन जरूर मिलेगा। तो सारे सबकी करंट इक्वल थी, सबके ट्रांसकंडक्टेंस इक्वल थे, तो जीएम सबके जीएम कितने हो गए, GM1 is equal to GM2 is equal to GM3 is equal to GM4 is equal to कितना, 2 under root KN या KP जो भी ले लो, 0.15 मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर इंटू करंट कितनी आई 0.1, सारी करंट भी सेम थी, ID कितनी आई थी 0.15 मिली एम्पियर, हमने पहले प्रूफ कर दिया था। तो ये मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर, ये मिली एम्पियर आ गया, मिली एम्पियर स्क्वायर पर वोल्ट स्क्वायर, बाहर कितना आएगा मिली एम्पियर पर वोल्ट, है ना, तो 2 × 0.15 मिली एम्पियर पर वोल्ट, है ना, और आ गया 0.30 मिली एम्पियर पर वोल्ट। जीएम की वैल्यू हमने निकाल ली सारे के सारे मॉस्फेट्स की, यही अपने आप में एक क्वेश्चन था, यही अपने आप में एक क्वेश्चन था जिसको बहुत सारे लोग सॉल्व ही नहीं कर पाए होंगे ना, सॉल्व ही नहीं कर पाए होंगे ना, 0.30 मिली एम्पियर पर वोल्ट। अब मैं जा रहा हूं एसी इक्विवेलेंट मॉडल बनाने और वहां से हम गेन निकालेंगे, वो उसमें भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं, अभी देखना, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन फ्रेम्ड है ना। तो जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, हमें पता है कि x हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका एक ही सलूशन होगा x इज इक्वल टू 1। अगर एक्स स्क्वायर 1 के बराबर और हम कह दें कि x हमेशा पॉजिटिव नंबर है, x गारंटीड है कि पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर 1 का एक ही सलूशन एग्जिस्ट करेगा x इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आएगा, x पॉजिटिव है, x आप पहले ही बोल दिए कि x पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है। और अगर x जनरल कोई नंबर है तो इसके दो सलूशन होंगे, x की वैल्यू प्लस 1 भी हो सकती है, माइनस 1। वही चीज यहां पर थी कि अगर वो ऑलरेडी आपको पता है पॉजिटिव है तो स्क्वायर फंक्शन उसको माइनस और प्लस साइन नहीं देगा, केवल प्लस साइन देगा, है ना, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब मैं मॉडलिंग करने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं T1 को मॉडल करूंगा, फिर T2 को, फिर T3 को, फिर T4 को, और एनालाइज करेंगे, उसी मॉडल से सब कुछ मैं निकाल लूंगा। अब मैं थोड़ा सा बेटा क्या करने जा रहा हूं, थोड़ा सा यहां पर रब कर देता हूं, नहीं तो रहने दो, यहीं पर मॉडल बनाता हूं, यहीं पर मॉडल बनाने के बाद सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ध्यान से देखो मॉडलिंग मैं करने जा रहा हूं। तो वैल्यूज सारी आ गई हैं, मैं ऊपर थोड़ा सा रब कर देता हूं ताकि मुझे जगह मिल जाए, है ना, ये सारी वैल्यूज आपने नोट कर ली, मुझे याद है 0.30 जीएम की वैल्यू, 0.15 मिली एम्पियर करंट आया था, और 6 मेगा ओम तो है। मैं T1 का पहले मॉडल बनाता हूं, कैसे बनाते हैं बेटा, देखो ये T1 का क्या है, ये आपका T1 का सोर्स है, सबके सोर्स और वो आइडेंटिफाई कर देना, ये T1 का गेट है और ये क्या है इसका ड्रेन D1। T2 का ये क्या है, T2
और देखो जब एसी मॉडल ड्रा करते हैं तो सारे डीसी सोर्सेज को उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है, जीरो रेजिस्टेंस से रिप्लेस होगा, ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा। अब हम एसी मॉडल ड्रा कर रहे हैं और इक्विवेलेंट मॉडल ड्रा करके सबको फिट कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, पहले इसका पूरे ओवरऑल का एसी इक्विवेलेंट मॉडल और सबके इंडिविजुअल मॉडल ड्रा करके सबको एक साथ फिट कर रहे हैं, वहां से गेन निकालेंगे। ठीक है, अब बात समझना ध्यान से, ये इसका सोर्स था, सोर्स एट हाइट पोटेंशियल, तो ये क्या है, एस टू है, ये क्या है, जी टू है, और ये क्या है, डी वन इज इक्वल टू डी टू, ये टी टू का क्या है, ड्रेन। तो दोनों टी वन और टी टू के ड्रेन आपस में कनेक्टेड है। अब टी थ्री का देख लेते हैं, टी थ्री का यही क्या है, गेट है जी थ्री, जी टू और जी थ्री सेम जगह पे हैं। ये देखो टी थ्री का क्या है, एस थ्री है। ये हमेशा कर लिया करो, आपको कभी परेशानी नहीं होगी, अब मैं मिटा दे रहा हूं बाकी। ये डी थ्री है, अब यहां देखो डी थ्री इज इक्वल टू क्या है, एस फोर, क्योंकि ये टी फोर का क्या है, सोर्स, ये T4 का क्या है, गेट है G4, और ये T4 का क्या है, ड्रेन D4 है। ठीक है ना, तो अब देखो मॉडल ड्रॉ करेंगे तब इजी होगा, हमेशा नंबरिंग कर दिया करो। तो ये क्या है, G1 है, ये क्या है, S1 है, ट्रांजिस्टर T1 का, और देखो S1 किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से। इन दोनों के बीच में प्लस माइनस, इसी को हम कहते हैं VGS। अब देखो ड्रेन वीन कहां लगा है, गेट पे, और किसी नोड का पोटेंशियल हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो यहीं से तो कनेक्टेड है वी इन। वी इन कहां से कनेक्टेड है, प्लस माइनस, यहीं से कनेक्टेड है वी इन, है ना। गेट टर्मिनल का वोल्टेज, जीवन का वोल्टेज वी इन है, और टर्मिनल का वोल्टेज हमेशा किसी नोड का वोल्टेज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है, और यही तो ग्राउंड है, एस वन ही तो ग्राउंड है, और इसी को आप क्या कहते हो, इसी को कहोगे वी जीवन एस वन, है ना। तो वी जीवन एस वन इज इक्वल टू क्या, वी इन के बराबर है, सेम आ गया कि नहीं, है ना। इस नोड का पोटेंशियल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वीन है, और गेट और सोर्स के बीच में जो पोटेंशियल होता है उसी को वी जी वन एस वन वी जी एस कहते हैं ना। ठीक है, सेम एस वन ग्राउंड पे है। ठीक है, अब देखो और क्या होता है, ड्रेन और ग्राउंड के बीच में, ये डी वन है, ड्रेन और ग्राउंड के बीच में, यही अच्छे से खींचना है, जीएम इंटू जीएम, सबके सेम है तो मैं एक ही जीएम यूज कर रहा हूं, है ना, जीएम वन जीएम टू जीएम थ्री जीएम फोर सेम, जीएम इंटू वी जी वन एस वन, यही तो आता है, जीएम इंटू वी जी एस का एक करंट सोर्स आता है एनमॉस में, कहां से कहां, ड्रेन से सोर्स, क्योंकि करंट कहां से कहां फ्लो होती है, ड्रेन से सोर्स फ्लो होती है, इनकेस ऑफ एनमॉस, है ना। और वी जी वन एस वन आएगा यहां पे, क्योंकि एन वन टी वन ट्रांजिस्टर के लिए, एंड वी जी वन एस वन इज सेम एज वी इन, तो यहां क्या आ जाएगा, दिस जीएम इंटू वी जी एस, एंड वी जी एस की वैल्यू वी इन के बराबर है, तो ये आ गया। और अगर आउटपुट रेजिस्टेंस है तो ड्रेन और सोर्स के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है, सोर्स को बढ़ाओ, उसी को हम कहते हैं क्या, आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट या आर डी एस, वो 6 मेगा ओम गिवन है। तो ये हो गया आपका, किसका मॉडलिंग आपने कर दिया, इस ट्रांजिस्टर टी वन का, है ना। अब आगे मॉडलिंग इसी में ऐड करते जाते हैं, है ना। अब देखो हम टी टू को करते हैं, टी टू का देखो ड्रेन कनेक्टेड है किसके, टी वन के ड्रेन से, तो डी वन इज इक्वल टू डी टू आ गया, ड्रेन से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहीं से हम वी आउट ले रहे हैं, यहीं से हम वी आउट ले रहे हैं, है ना। और किसी नोड का पोटेंशियल आप हमेशा किसके रिस्पेक्ट में लेते हो, किसके रिस्पेक्ट में लेते हो, हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेते हो, याद रखना, ठीक है। अब T2 को देखते हैं बेटा, D1 D2 से कनेक्ट हो गया, S2 कहां से कनेक्टेड है, ग्राउंड से, तो S1 is equal to S2 हो गया, ग्राउंड, है ना, S1 is equal to S2 ग्राउंड। और इसका G कहीं से कनेक्टेड है ना, ये तो ग्राउंड राउंड से कनेक्टेड नहीं, कोई G का पोटेंशियल, हम ये ले लेते हैं क्या, जी टू ले लेते हैं, एक टर्मिनल ले लेते हैं जी टू यहां पर, है ना। ठीक है, अब ध्यान से देखो आपका ये तो अभी आपके पोटेंशियल, आपने कनेक्शन बनाया, D2 यहां है, S2 यहां है, और G2 यहां है ना। अब देखो P MOS में हम हमेशा सोर्स को मानते हैं हायर पोटेंशियल पे प्लस, और गेट को मानते हैं लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या, वी एस टू जी टू, है ना, वी एस टू जी टू, ठीक है, वी एस टू जी टू, और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है यही वी एस टू जी टू हो गया। और क्या होता है, ड्रेन और सोर्स के बीच में एक करंट सोर्स आएगा, पी मास में करंट सोर्स की डायरेक्शन सोर्स से ड्रेन की तरफ होती है, क्योंकि पी मास में करंट कहां से कहां फ्लो होता है, सोर्स से ड्रेन की तरफ, एंड सोर्स होता है हायर पोटेंशियल पे, है ना। तो इसीलिए वी एस टू जी टू लेते हैं, जबकि गेट होता है लॉन्गली हायर पोटेंशियल पे सोर्स के रिस्पेक्ट में, इनकेस ऑफ एन मास तो वी जी एस लेते हैं। और ड्रेन से सोर्स की तरफ होती है करंट सोर्स की डायरेक्शन, और पी मास में सोर्स से ड्रेन की तरफ होती है करंट की डायरेक्शन। अब देखो T2 का सोर्स कहां है, यहां पे, और ड्रेन कहां, यहां पे, तो सोर्स से ड्रेन की तरफ एक करंट सोर्स आएगा, कितना का करंट सोर्स, GM, GM तो सेम है T2 का भी T1 का, इनटू V S2 G2,
जी टू जीएम इंटू वीएसजी के बराबर करंट सोर्स आएगा, और कहां से कहां, सोर्स से ड्रेन की तरफ आएगा, है ना। और साथ में आउटपुट रेजिस्टेंस भी है, तो आउटपुट रेजिस्टेंस हमेशा सोर्स और ड्रेन के बीच में आता है ना, या ड्रेन और सोर्स के बीच में, दैट इज आरडीएस सेम है तो आरडीएस आएगा। अब ध्यान से देखो, इसी नोड का पोटेंशियल जो D1 D2 है, यही D1 D2 नोड का पोटेंशियल V आउट है, मतलब इसी नोड का पोटेंशियल V आउट है, और हमेशा किसी नोड का पोटेंशियल किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ये प्लस ग्राउंड, यही तो है, यही तो ग्राउंड है, प्लस माइनस यही आपका क्या है, V आउट है, प्लस माइनस यही आपका V आउट है। इतना हम लॉजिक पे पहुंच गए, ठीक है। मॉडल अच्छे से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं T3 को। T3 का भी सोर्स क्या है, देखो S3 ग्राउंड पे ही है, S2 इज इक्वल टू S3, ये S2 S3 है, तो ये भी ग्राउंड पे है, S3 हो गया ये, ठीक है, सेम। T3 का जो गेट है G3 वो G2 के बराबर ही है, दोनों सेम है, G2 इज इक्वल टू G3, और इसका जो ड्रेन है D3 है ना, ड्रेन है इसका कहां है, D3 है, ठीक है ना। ड्रेन किससे कनेक्टेड है, ड्रेन गेट से ही कनेक्टेड, अगर ध्यान से देखोगे G2 इज इक्वल टू इसका G3 और D3 सेम है, देखो ड्रेन और गेट आपस में कनेक्टेड है, तो यही D3 भी हो गया, ठीक है। तो इसके तीनों टर्मिनल हमने देख लिए, G3 और D3 यहीं आ गए और S3 यहां आ गया। अब देखो ध्यान से, ये PMOS है, तो अब देखो S3 और G3 के बीच का जो पोटेंशियल है वही आपका क्या है, VS3G3 है, और VS3G3 सेम है VS2G2, क्योंकि G2 और G3 भी सेम है और S2 और S3 भी सेम है, तो VS2G2 विल बी सेम एज VS3G3, ठीक है, यही तो हो गया VS3G3, है ना। PMOS में हम VSG लेते हैं और करंट सोर्स लेते हैं GM इंटू VSG का फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। अब ये तो आ गया इधर, अब ड्रेन सोर्स से ड्रेन की तरफ हमारा एक करंट सोर्स कनेक्टेड होगा, है ना, करंट सोर्स कनेक्टेड होगा, तो S3 और D3 के बीच में एक करंट सोर्स आ गया, कितने का, देखो ध्यान से, GM इंटू VS3G3, है ना, विच इज सेम एज VS2G2, है ना, तो हम इसको VS2G2 ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और साथ में क्या होता है, सोर्स और ड्रेन के बीच में एक आउटपुट रेजिस्टेंस आता है, दैट इज RDS आ गया। ये हमने T3 का मॉडल बना लिया, ठीक है। अब T4 का मॉडल हम बनाते हैं, अभी मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा। T4 का बनाते हैं, T4 का देखो D4 और G4 ग्राउंड पे हैं, T4 का G4 और D4 क्या है, ग्राउंड पे, तो यही हो गया D4, यही हो गया G4, जो ग्राउंड टर्मिनल है, ग्राउंड टर्मिनल हो गया, ठीक है। अब जो आपका T4 का S4 कहां पे है, जो D3 है वहीं पे है, D3 पे है, तो यहां आ गया S4। अब इसको भी देखते हैं, अब ध्यान से देखो, आपका ध्यान से देखना, VS4 और G4 कहां पे है, यहां पे है ना, तो हम PMOS में प्लस माइनस VS को प्लस मानते हैं, इसको ये मानते हैं, तो अगर ध्यान से देखोगे तो दिस इज इक्वल टू, ये इसको हम कहेंगे VS4G4 विद दिस प्लस एंड दिस माइनस, क्योंकि S4 की तरफ प्लस एंड G4 की तरफ माइनस, इसको कहेंगे VS4G4। तो अगर ध्यान से देखोगे VS4G4 इज नथिंग बट माइनस ऑफ VS2G2, ये है कि नहीं, VS4G4 इज नथिंग बट माइनस ऑफ VS2G2, क्योंकि प्लस माइनस दिस पोलैरिटी के साथ VS2G2 है इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच, और आप कह रहे हैं दिस पोलैरिटी माइनस प्लस के साथ जो वोल्टेज है इन दोनों के बीच में वही VS4G4 है, तो ये दोनों सेम तो है लेकिन पोलैरिटी अलग है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन माइनस साइन के साथ दोनों इक्वल है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, S4 और D4 के बीच में क्या आएगा, एक करंट सोर्स, S4 और D4 यहां पे हैं, तो S4 और D4 के बीच में एक करंट सोर्स आएगा, है ना। अब देखो उस करंट सोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अगर हम लेंगे सोर्स से, अगर देखो ध्यान से, हम अगर लेंगे करंट सोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, GM इंटू VS4G4, सोर्स से ड्रेन की तरफ होगी करंट की डायरेक्शन, लेकिन VS4G4 की जगह हम VS2G2 रखेंगे, तो अगर पहले इनिशियली करंट की डायरेक्शन आएगी S4 से D4 की तरफ GM इंटू VS4G4, जैसे VS4G4 की वैल्यू माइनस ऑफ VS2G2 रखेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस को हटाने के लिए करंट की डायरेक्शन उल्टी कर देंगे, तो ये इस डायरेक्शन में एक करंट आ जाएगा, कितने का, GM इंटू VS2G2, अगर VS2G2 के फॉर्म में लिखें, क्योंकि एक ही के फॉर्म में लिखें ताकि कैलकुलेशन करना इजी हो, समझ में आई बात।
यस फोर से जी फोर की तरफ था जीएम इंटू वी एस फोर जी फोर, है ना, यस फोर से डी फोर की तरफ, और वी एस फोर जी फोर की जगह माइनस ऑफ वी एस टू जी टू रखा, तो माइनस को हटाने के लिए करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे कर दी, है ना, और साथ में सोर्स और ड्रेन के बीच में एक रेजिस्टेंस आरडीएस आ जाएगा, ठीक है ना। ये सर्किट अब जाके कंप्लीट हो गई। अब अगर मैं ध्यान से देखो इस सर्किट को और इस सर्किट से मैं जा रहा हूं गेन का कैलकुलेशन करने, गेन आपका आ जाएगा, गेन आने में कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, लेकिन एक कंक्लूजन ध्यान से सुनो, ये दोनों जो देखो अगर ध्यान से, हमारा जो वी इन और वी आउट हम यहां से ले रहे हैं, तो वी इन और वी आउट देखो जहां से वी इन अप्लाई कर रहे हैं वो टी वन पे, जहां से वी आउट ले रहे हैं वो पॉइंट टी वन और टी टू का कॉमन पॉइंट है, T1 और T2 के जहां ड्रेन कनेक्टेड है वहां से V out। तो अगर ध्यान से देखो जो AC equivalent model है जहां से हमें V out upon V in निकालना है, वो केवल इन्हीं दोनों ट्रांजिस्टर पे मेनली डिपेंड करेगा, किस पे, इन्हीं दोनों पे, क्योंकि V in और V out जहां लगा रहे हैं वो इन्हीं दोनों किसके हैं, T1 और T2 के आपस के कनेक्शन के अक्रॉस है, जबकि T3 और T4 अगर ध्यान से देखो ये पैरेलल में कनेक्टेड है, इनका V in और V out के उसमें कैलकुलेशन में कोई रोल आएगा क्या, वी इन यहां से कैलकुलेट होगा, वी आउट यहां से कैलकुलेट होगा, टी वन और टी टू का कॉमन पॉइंट वी आउट है, तो वी आउट के कैलकुलेशन में क्या आएगा, टी वन और टी टू का यूज आएगा, टी थ्री और टी फोर का यूज आएगा क्या, नहीं। तो एसी इक्विवेलेंट मॉडल जो होगा वो टी वन और टी टू, जो वी आउट का कैलकुलेशन है वो टी वन और टी टू पे ही डिपेंड करेगा, यहां पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका रोल था करंट की वैल्यू सेट करना, डीसी करंट की वैल्यू, और उसके हिसाब से जीएम को सेट करना जो कि एसी पैरामीटर में यूज होगा। अगर ध्यान से देखो ये सर्किट क्या बता रही है, टी टू और टी वन आपस में कनेक्टेड हैं, इनकी करंट्स एसी करंट भी अगर फ्लो होगी तो जो टी टू में फ्लो होगी वही टी वन में, तो वी आउट और वी इन का जो रिलेशन है, जो वी आउट का कैलकुलेशन है, टी वन टी टू के कनेक्शन पर डिपेंड करेगा, उसमें टी थ्री टी फोर के कनेक्शन का कोई रोल होगा नहीं, क्योंकि टी थ्री और टी फोर क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। ये सब थोड़े से कॉमन सेंस लगाने पड़ेंगे। अब अगर यहां भी ध्यान से देखो भाई, यहां से करंट अगर निकल रही है जीएम, है ना, यहां से करंट निकल रही है भाई साहब जीएम, ठीक है ना। अब देखो आरडीएस और आरडीएस पैरेलल में है, तो मैं एक आरडीएस को हटा देता हूं, यहां पे क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरडीएस बाई टू, ठीक है, दोनों पैरेलल में थे तो एक सिंगल रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है ना, आरडीएस बाई टू। अब अगर ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से भाई साहब देखना, अब जो इन दोनों के बीच में जो करंट है वो यहां से निकलेगी और यहां से देखो यहां से आएगी, है ना, यहां गई, यहां से करंट आई, ये दोनों आपस में इक्वल हुई, यहां आई और यहां गई, और यहीं से तो वापस आ जाएगी, यहीं से तो वापस आ जाएगी, ऊपर ये जाएगी क्या करंट, ध्यान से बताना, वही मैं कह रहा हूं कि ये पैरेलली अलग कनेक्टेड है, ये पैरेलली अलग, तो यहां पे जो करंट यहां की फ्लो हो रही है इन दोनों टी थ्री टी फोर से ही फ्लो होगी, उसका टी वन और टी टू में कोई रोल नहीं आएगा। ध्यान से देखो, जो टी टू से आएगी वही टी वन से आएगी, टी थ्री टी फोर का कोई रोल आ रहा है यहां जो करंट फ्लो हो रही है, चाहे वो एसी करंट लो चाहे डीसी करंट, डीसी करंट वोल्टेजेस के रिलेशंस की वजह से डीसी करंट सबकी सेम थी, लेकिन जो करंट यहां फ्लो हो रही है एसी वही यहां फ्लो हो रही है, जो यहां एसी करंट फ्लो हो रही है वही यहां, तो ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं, इनका इसमें कोई मिक्सअप नहीं है, ये दोनों आपस में मिक्सअप हैं, ये दोनों आपस में मिक्सअप हैं, लेकिन यहां की करंट यहां फ्लो हो रही है, यहां की करंट यहां फ्लो हो रही है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। देखो यहां से करंट आई जी एम, यहां गई, यहां से आई, ये दोनों इक्वल होकर यहां आए। अब बताओ यहां से करंट, यहां से करंट क्या इधर जा सकती है, इधर जा सकती है, इधर नहीं जाएगी भाई, कहां से वापस आएगी, वापस आने का कोई पाथ होना चाहिए ना, करंट हमेशा, करंट जब कहीं से फ्लो होती है कहीं से निकलती है तो वापस भी आती है, तो यहां से करंट अगर गई जी एम, दिस करंट प्लस दिस करंट इज इक्वल टू दिस करंट, है ना, यहां से करंट आई, यहां से अब यहां से इसके थ्रू फ्लो हुई, फिर यहां से देखो यहां से करंट आएगी तो यहां नहीं जाएगी, ये यहीं वापस आएगी, जीएम वी एस जिस टू यहां चली जाएगी, बाकी बच्चों यहां आएगी और यहां फ्लो हो जाएगी, यहां जाएगी क्या करंट, यहां या यहां या यहां, यहां नहीं जाएगी भाई साहब करंट, यहां नहीं जाएगी, है ना, यहां अगर जाएगी तो वापस कहां से आएगी, आपका जब भी करंट कहीं से निकलती है तो वहां पे फिर लूप को क्लोज करके वापस भी आती है ना, तो यहां से करंट निकली यहां आई, यहां से निकली यहां आई, दोनों मिलके यहां आए, फिर इनमें से एक करंट यहां चली गई, अगर यहां से करंट टूट के यहां चली गई तो वापस कहां से आएगी, पाथ ही नहीं होगा, कहां से वापस आएगी, है ना, वही सेम चीज है कि यहां वाली करंट यहां फ्लो हो रही है, यहां वाली करंट यहां फ्लो हो रही है, इन दोनों का कोई मिक्सअप नहीं है कि ये दोनों
मिक्सअप कर दो, है ना करंट। अगर आप करंट ऊपर लेते जाओगे तो एक तरह से आप मिक्सअप कर रहे हो ना, ये समझ में आनी चाहिए। ये एक पैरेलल सर्किट आपस में, ये एक पैरेलल सर्किट आपस में है, ये अपनी करंट फ्लो करा रहा है, ये अपनी करंट फ्लो करा रहा है, बाकी कोई किसी का कुछ नहीं कर रहा है। यहां वाली करंट जो है यहां से आएगी और यहां निकल जाएगी, यहां से करंट आएगी यहां निकल जाएगी, ये तो ये ऊपर वाली सर्किट का जो पाथ है ये आपस में करंट फ्लो कराता रहेगा, नीचे वाली जो सर्किट है ये आपस में करंट फ्लो कराती रहेगी, दोनों का कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, बस इनका एक कॉमन पॉइंट है ग्राउंड। ग्राउंड एक कॉमन पॉइंट है। अगर यही सर्किट सोचो मैं ऐसे बना देता इस तरह से, यहां पे एक सर्किट है ना इस तरह से, है ना, और एक सर्किट इस तरह से कैसी है आपकी, ये है और ये ग्राउंड है और ये है, ठीक है ना। एक सर्किट तो यहां ऐसे है ना, ठीक है, रेजिस्टेंसेज है, ये है एक सर्किट और रेजिस्टेंसेज है ना। अब ये इसका ग्राउंड है और ये इसका ग्राउंड है। अब देखो ये दोनों पैरेलल सर्किट हैं, ये आपस में अपना काम करती रहेगी, ये आपस में अपना काम करती रहेगी। हमने क्या किया, यही ग्राउंड दोनों में कॉमन था तो हमने यहां कॉमन पे दिखा दिया, इसलिए आपको लग रहा होगा ये सारी करंट आपस में मिक्स होंगी क्या, नहीं होंगी। ये बस ग्राउंड इनका एक कॉमन पॉइंट है, अदरवाइज ये एक अलग कंप्लीट सर्किट है पैरेलल सर्किट, ये एक अलग कंप्लीट पैरेलल सर्किट है, दोनों का आपस में कोई एक दूसरे की करंट दूसरे में घुसेगी नहीं। यहां वाली करंट इसी पाथ में फ्लो होकर कंप्लीट हो जाएगी, यहां वाली करंट इस वाली पाथ में फ्लो होकर जाएगी। यहीं से देख लो ना, ये वाला मैं अलग कर दिया, इसका ग्राउंड यहां लेते आया, बाकी ये सारे कनेक्शन बना दिए, ये वाला पॉइंट और ये ग्राउंड अलग कर दिया, ये वाला। तो अब देखो ये दो पैरेलल सर्किट्स हैं, बस यही ग्राउंड कॉमन था तो मैंने एक जगह दिखा दिया था, है ना, तो ये आपस में करंट नहीं हो पाएगी, ठीक है ना, क्लियर इतनी बात। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या करते हैं, अभी छोटी छोटी जो एनालिसिस है उसको मैं बताऊंगा, है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। तो करंट यहां से निकलेगी और यहां जाएगी, दोनों का इक्वल करंट, फिर यहां आगे आएगी आधी करंट यहां, फिर बाकी बची करंट यहां चली आएगी, है ना। तो ये अपना लूप क्लोज करके करंट फ्लो होती रहेगी, यहां का करंट नहीं आएगी कि यहां से करंट आई और यहां कुछ चली गई कुछ यहां चली गई, जितनी करंट यहां है उतनी करंट पीछे से आनी चाहिए, है ना। तो वो यहीं से यहां पे फ्लो होके यहां से यहां वापस आ जाएगी, और उसकी एनालिसिस आप यहां भी कर सकते हो। इनकी करंट तो आपस में रिलेटेड है, लेकिन इनकी करंट आपस में रिलेटेड है लेकिन इनसे क्या है, इंडिपेंडेंट है। अगर देखो एसी मॉडल में ना, ये पैरेलली अपना, ये पैरेलली अपना, तो ये वही तो है, ठीक है। ये T1 T2 के कनेक्शंस की वजह से है, ये T3 T4 के कनेक्शन की वजह से, नीचे वाली सर्किट, ठीक है ना। मैंने एक ही में मिक्सअप कर दिया तो आपको लग रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो लेकिन ये वाली सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एनालिसिस देखो ध्यान से। हम एक क्लोज लूप में मूव करने वाले हैं, क्यों, अब ध्यान से देखो, हम यहां से आउटपुट ले रहे हैं तो जो इस आरडीएस के क्रॉस आउटपुट प्लस माइनस है वही वी आउट है, इस आरडीएस के क्रॉस जो आउटपुट है वही प्लस माइनस क्या है, वी आउट है ना, प्लस माइनस वी आउट है। तो अब देखो इस आरडीएस के क्रॉस करंट कितनी फ्लो रही है, हम इस आरडीएस को हटा देते हैं, ये दोनों आरडीएस पैरेलल में है तो यहां आरडीएस बाई 2 आ गया। इस आरडीएस बाई 2 के क्रॉस जो करंट होगी वो अगर हमें पता चल जाए तो उस करंट से मल्टीप्लाई करके हम वी आउट निकाल लेंगे, और वी आउट निकाल लेंगे तो वी आउट अपान वी इन से हम क्या निकाल लेंगे, वी आउट अपान वी इन से हम गेन निकाल लेंगे। अब देखो एक तो करंट जीएम इंटू वी इन के फॉर्म में है और एक करंट जीएम इंटू वी एस टू जी टू के फॉर्म में। अब वी एस टू जी टू तो अननोन है, हमें वी आउट किसके फॉर्म में चाहिए, वी इन के फॉर्म में चाहिए, ताकि वी आउट अपान वी इन करें तो वी इन कैंसिल हो जाए तो हमारा गेम ओवर हो जाए, गेन मिल जाए। तो वी इन के फॉर्म में आए वी आउट कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वी एस टू जी टू के फॉर्म में आएगा, वी एस टू जी टू तो हमें पता ही नहीं है। तो हम पहले वी एस टू जी टू और वी इन का रिलेशन निकाल लेते हैं, कुछ रिलेशन है क्या, तभी तो हम वी आउट को वी इन के फॉर्म में लिख पाएंगे। अब वी एस टू जी टू का अगर रिलेशन निकालना है तो मुझे ये वाला सर्किट नीचे वाला यूज करना पड़ेगा, इसी के लिए ये नीचे वाला सर्किट है। अब ध्यान से देखो, मैं ये एक देखो वी एस टू जी टू यही तो है, ये देखो एक क्लोज लूप में मूव करने जा रहा हूं, किसमें, एक रेजिस्टेंस है और ये, इस क्लोज लूप में मैं मूव करने जा रहा हूं, यहां से वी एस टू और जी टू का रिलेशन आएगा। आप ध्यान से देखो इस आरडीएस बाई 2 के क्रॉस कितनी करंट फ्लो हो रही है, 2gm इंटू वी एस टू जी टू फ्लो हो रही कि नहीं, यहां से आई वी एस टू जी टू जीएम इंटू वी एस टू जी टू, यहां से आई जीएम इंटू वी एस टू जी टू, और यहां टोटल करंट कितनी आएगी, इन दोनों का समेशन यहां आ गया, 2gm इंटू वी एस टू जी टू यही ऊपर जाएगा यहां आएगा, आधा करंट जीएम इंटू वी एस टू जी टू यहां आ जाएगा, बाकी बचा यहां आ जाएगा, और ये पाथ हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो हम इस लूप में जा रहे हैं मूव करने, ये और रेजिस्टेंस वाले, तो देखो माइनस प्लस प्लस वी एस टू जी टू, माइनस प्लस प्लस वी एस टू जी टू, ठीक है। अब देखो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस आते हैं और फिर यहां लूप क्लोज, देखो ये वाले लूप में मैं मूव कर रहा हूं, है ना।
अब देखो इसके अक्रॉस इस डायरेक्शन में करंट है, मतलब ये प्लस है ये माइनस, ठीक है। अब मैं लूप में मूव किया, माइनस प्लस फिर माइनस प्लस, माइनस प्लस फिर से प्लस, कितना माइनस प्लस फिर से प्लस, कितना आरडीएस बाई टू इंटू टू जी एम इंटू वी एस टू जी टू इज इक्वल्स टू जीरो, लूप क्लोज हो गया। अब यहां से देखो वी एस टू जी टू कॉमन ले लिया तो वन प्लस आरडीएस इंटू जी एम इज इक्वल टू जीरो। वन तो जीरो है नहीं, आरडीएस इंटू जी एम भी जीरो नहीं होगा, आरडीएस की एक वैल्यू है, जीएम की एक वैल्यू है, तो ये टर्म जीरो नहीं है। दिस मल्टीप्लीकेशन हैज टू बी जीरो, इसके लिए क्या हो जाएगा वी एस टू इंटू जी टू मस्ट बी जीरो, वी एस टू जी टू क्या होना चाहिए जीरो। ये सर्किट ने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी कि वी एस टू जी टू जीरो, अगर वी एस टू जी टू जीरो है तो जी एम इंटू वी एस टू जी टू क्या हो जाएगा जीरो, और कोई करंट अगर जीरो है तो करंट जीरो का क्या मतलब ओपन सर्किट, मतलब यहां हटा दो, क्या बचा अब देखो, अब ये सर्किट बड़ी ईजी हो गई। जी एम इंटू वी एस टू जी टू जीरो मतलब करंट जीरो, मतलब यहां क्या आ गया ओपन सर्किट, ओपन सर्किट से करंट जीरो फ्लो होता। अब देखो ध्यान से, यहां से जीएम इंटू वी इन आया, मैंने कहा ये वाली सर्किट आपस में काम करेगी, ये वाली आपस में, ये करंट यहां फ्लो हुई प्लस माइनस, यहां पे करंट कितनी आ गई इस डायरेक्शन में करंट आ गई जीएम इंटू वी इन। अब मैं वी आउट निकाल लेता हूं, वी आउट कितना है बताओ, वी आउट इस पोलैरिटी प्लस माइनस के साथ जो वी आउट है उसी को हम वी आउट कह रहे हैं। करंट इससे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही तो ये प्लस होगा ये माइनस, मतलब वी आउट कितना होगा माइनस ऑफ करंट कितनी है जीएम इनटू वी इन इनटू रेजिस्टेंस कितना है आरडीएस बाय 2। ये आपका आ गया वी आउट, है ना, ये आ गया आपका वी आउट, क्योंकि करंट यहां से आई इस डायरेक्शन फ्लो हुई, तो इस करंट के रिस्पेक्ट में ये प्लस है ये माइनस, जबकि जो आपका वी आउट है ये प्लस होना चाहिए ये माइनस, तो आ गया यहां माइनस साइन, करंट इंटू रेजिस्टेंस, है ना, आई इंटू आर वोल्टेज आ गया इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, लेकिन वो वोल्टेज आई इंटू आर जो ये वोल्टेज आएगा वो इधर प्लस और इधर माइनस के साथ आएगा, लेकिन आपको जो वी आउट चाहिए इस पोलैरिटी प्लस इस पोलैरिटी माइनस के साथ, तो आगे आ गया क्या माइनस साइन। अब यहां से देखो वी आउट अपान क्या आ गया वी इन आ गया, कितना माइनस जी एम इंटू आरडीएस बाई टू, जीएम की वैल्यू मिली एम्पियर पर वोल्ट में और रेजिस्टेंस की वैल्यू वोल्ट पर मिली एम्पियर, दैट इज किलो ओम में रखना चाहिए तब यूनिट लेस आएगा, वोल्ट पर मिली एम्पियर इज किलो ओम, मिली एम्पियर पर वोल्ट इज मिली सीमेंस, है ना। तो जीएम को हमने किसमें लिया था 0.15 आया था, 0.30 आया था, 0.30 मिली एम्पियर पर वोल्ट, है ना, डिवाइडेड बाई टू, और आरडीएस की वैल्यू किलो ओम में लेना चाहिए हमें, मिली एम्पियर पर वोल्ट एंड वोल्ट पर मिली एम्पियर, ताकि यूनिट लेस आए गेन। तो मेगा ओम को किलो ओम में बदलोगे तो 10^3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से देखो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 900, यही आपका आंसर है, कितना माइनस 900, है ना, गेन आएगा माइनस 900, है ना। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, और यहां से मैं ये भी गेस कर सकता था ये सारी चीजें, वी एस टू जी टू जीरो होना चाहिए था, जो हमने यहां से मैथमेटिकली प्रूफ भी किया कि वी एस टू जी टू मस्ट बी जीरो, क्योंकि देखो यहां हम ये एसी मॉडल ड्रॉ कर रहे हैं, और एसी मॉडल के केस में देखो यहां पे कोई एसी वोल्टेज हमने क्या है सोर्स और गेट के बीच में कोई एसी वोल्टेज है क्या इसके वी एस टू जी टू की जो हम बात कर रहे हैं, जो ये टी टू है इसके क्रॉस कोई एसी वोल्टेज लगाया है क्या सोर्स और गेट के बीच में, नहीं, मतलब एसी वोल्टेज एक्चुअली में जीरो होना चाहिए था, जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ भी किया इस इक्विवेलेंट सर्किट से, है ना, क्योंकि यहाँ पे वी एस टू जी टू वाला एक करेंट सोर्स आ रहा था, उसको हमें दिखाना था कि उस करंट सोर्स की वैल्यू क्या है जीरो है, तभी आंसर आपका आ पाता, नहीं तो अगर ये करंट सोर्स जीरो नहीं प्रूफ करते तो आप अननोन के फॉर्म में वी आउट आ जाता, तो आप गेन वी आउट अपॉन वी इन नहीं निकाल पाते, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में डीसी एनालिसिस भी आता तो वो अपने आप में एक क्वेश्चन होता, क्योंकि बहुत ट्रिकी था, कैसे कैसे कौन सी करंट आपस में इक्वल होंगी, जीएम सबके इक्वल होंगे, ये सब प्रूफ करने वाला भी क्वेश्चन आ सकता था, इसपे कई सारे क्वेश्चन पॉसिबल थे, कुछ भी पूछा जा सकता था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और इसकी एसी एनालिसिस भी इतनी आसान नहीं थी, है ना। एक तो चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए कि ये पैरेलली हैं, ये दोनों T3 T4 आपस में सीरीज में, T2 T1 आपस में सीरीज में, तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, तो इन दोनों का कोई रिलेशन आएगा, जैसे आरडीएस बाई 2 आ गया, नेट रेजिस्टेंस आरडीएस बाई 2 आ गया, क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, लेकिन ये दोनों पैरेलली अपना ऑपरेट कर रहे हैं, इनका इससे कोई ज्यादा रिलेशन नहीं है, तो जो यहां की करंट्स होंगी वो यहां इंटरफियर नहीं करेंगे, जो यहां की करंट होंगी वो यहां इंटरफियर नहीं करेंगे, इसीलिए ये जीएम वी एस टू जी टू, जीएम वी एस टू जी टू, ये केवल इसी पाथ में फ्लो कर रही है, ये वाले और ये वाली करंट केवल इसी पाथ में फ्लो कर रही है, दोनों का कोई रिलेशन नहीं, बस दोनों का एक कॉमन पॉइंट क्या था,
ग्राउंड था। अगर इस ग्राउंड को मैं इसका ग्राउंड अलग से रिप्रेजेंट करूं और इस सर्किट का ग्राउंड अलग से, तो आपको दोनों दो अलग अलग पैरेलल सर्किट लगेंगी, तब आपको समझ में आएगा कि ये करंट और इन करंट्स में कोई रिलेशन नहीं है, आपस में कोई नहीं, ये इंडिपेंडेंटली यहां फ्लो हो रही है, ये इंडिपेंडेंटली यहां। मैंने ये कॉमन ग्राउंड ले लिया तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहां वाली करंट कहीं यहां तो नहीं आ रही है, ये यहीं पे क्लोज लूप में फ्लो होगी, ये यहीं पे क्लोज लूप में फ्लो होगी, है ना, वो कभी भी नहीं होगी, क्योंकि आप अगर उस तरह से करोगे तो आपको रिटर्न पाथ नहीं मिलेगा कि रिटर्न पाथ किस रिटर्न पाथ से वो आएगा। रिटर्न पाथ जब ढूंढोगे तो आपस में वो कंट्राडिक्ट करने लगेगा, जिस पास से गया था उसी पास से वापस आना पड़ेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। करंट एक पास से जाती है और दूसरे पास से आके दूसरे टर्मिनल पे क्लोज होती है, ऐसा नहीं कि सेम ही पास से गए और उसी पास से रिटर्न हो रहे हैं ना। तो इस वजह से ये वाले सर्किट में आपस में करंट फ्लो होगी, ये वाले, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि ये सर्किट बनाने के बाद ये आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ की करंट केवल इसी वाले में रहेंगी और यहाँ वाली करंट केवल इसी वाले में रहेंगी, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, तो एक आध घंटे का ये एक्सप्लेनेशन था, क्योंकि बहुत ट्रिकी और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन में जो जो चीजें मैंने एक्सप्लेन करी उस पर किसी भी पॉइंट पे आपको क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है ना। तो इसको अच्छे से आप याद रखिए, कैसे कैसे मैंने क्या क्या चीजें एनालाइज करी, है ना, कैसे T2 और T3 का करंट इक्वेट किया, कैसे मॉडल ड्रॉ किया। जब बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते हैं तो टर्मिनल का नेमिंग जरूर किया करो, G1, T1, D1, है ना, तो आपको मॉडल ड्रॉ करने में और कौन से पॉइंट आपस में सेम है वो इजी होगा। जैसे मैं डायरेक्टली लिखता गया S1=S2=S3, है ना, तो सबके नेमिंग करने पे आपको इक्विवेलेंट मॉडल बनाना थोड़ा सा इजी होगा, है ना। चार मॉस्फेट हैं, सबको एक साथ मिक्स करके इक्विवेलेंट मॉडल बनाना आपको क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में किसी और क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।